हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं बीओनडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राम भवन होटल निज़ामपुरा का जो रोड है वहां पर, और आज हम यहां पर सर्वे करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहां की पब्लिक इलेक्शन को लेकर क्या सोचती है। वो सेंटर का मिनिस्टर है, वो उसको शहर के जहां से चुन के आता है 5-6 करोड़ से, उसको वहां पर काम करना चाहिए। तो हमारी जो भिमड़ी का एरिया है, गए टाइम पे हमारे एमपी ने इसमें कोई काम नहीं किया। हमारी आज जो मेन जो हमारा धंधा है वो पावर लूम का धंधा है, तो उस पावर लूम के अंदर अक्सर देखो मंदी चल रही है, लोग परेशान है। कई दफ़ा लोगों ने सवाल उठाया कि भाई अपना सवाल उठा रखो कि भाई जो सेंट्रल में एक जो ठा हो गया कि भाई यान का जो भाव है, सूद का जो भाव है, वो भाव फिक्स करो, महीने महीने फिक्स करो या साल फिक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लूम वाले हर 2 महीने में 1 महीने में जो यान के व्यापारी लोग हैं वो भाव घटाते हैं बढ़ाते हैं, उसका फायदा जो मारवाड़ी लोग हैं जो सूद देते हैं उसका फायदा उठाते हैं, और उनको माल देते हैं वो अगर एक फिक्स कर दे रहे कि भाई 1-2 महीने तक वही भाव रहेगा माल का, तो जो बिजनेस की लाइन है वो कम से कम 2-3 महीना तक पकड़ रहेगी। अच्छा, ये जो भाव कम ज़्यादा करने का जो चीज़ है ये किसके अंडर में है? ये मतलब मारवाड़ी खुद ही करता है कि कोई? यहाँ मारवाड़ी जिस लेने वाला ही मारवाड़ी है, देने वाला ही मारवाड़ी है, लोग हैं। हाँ, मतलब वो जैसा अंबानी जो लोग हैं उनका आज भी बहुत पावर लूम बंद पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई माल जो है वो 1 महीने में फिक्स रहता है, 2-3 महीना तो वो भाव से आपको माल मिलेगा, तो क्या वो मजदूरों को संभाल के भी रखेंगे? नहीं तो मजदूरी से भागते हैं। तो हमारे गाँव के अलग 10 साल हो गए हमारे एमपी है, इसने इस बारे में आज तक कुछ नहीं किया। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा एमपी चुन के आवे हम तक हमारी बात को रखे, और जो भिमड़ी के जो लूम का धंधे का धंधा है जिस पर भिमड़ी की रोजी रोटी चलती है वो सब बर्बाद हो रही है और आज सब लूम बंद है, ऐसा एमपी आवे जो हमारा एक काम करे। लूम के जो लोग हैं जो लूम चलवाते हैं, अभी यान की बात है, कोम की बात है, भीम की बात है, तो मारवाड़ी से लेकर आते हैं, लेकिन जो लूम चलाने वाले लोग हैं वो अपनी यूनियन बनाकर ये चीज़ें क्यों नहीं करते कि हम लोग ऐसा करें कि ये भाव कम नहीं होना चाहिए, या कम हो जाए तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए? लूम मालिक जो है वो ज़्यादा पैसा ले नहीं है, है दो कुछ पार्टी ऐसी है जो 500-1000 लूम चला, लेकिन ज़्यादातर पार्टी है वो 24 लूम, 28 लूम, 50 लूम, 100 के अंदर रहती है, तो वो लोग उसको कंट्रोल, जब माल का बाजार का भाव कंट्रोल नहीं होता तो वो कंट्रोल कर नहीं पाते, समझे? अगर उनको फिक्स रहे कि भाई अपने को 3 महीने तक यही भाव में मिलने वाला है तो कुछ करेंगे वो लोग ना। इसके अलावा और क्या विकास होना चाहिए भिवंडी शहर में, अगर दूसरों शहर की बनिस्बत की बात करूं कि मुंबई में जो चीज़ है वो यहां पर नहीं है? तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो एमपी है हमारा वो हमारे क्षेत्र में, जो हमारा असेंबली क्षेत्र है उसमें कोई भी फैक्ट्री लगावे पावर लूम के बारे में, यान की फैक्ट्री कुछ भी, तो यहाँ के मजदूरों को। अच्छी बात कही आपने, अभी तक किसी ने कहा नहीं कि समझे क्या, और यान यहीं की यहीं मिलेगा हमारे को। आज हमारा यान मद्रास से आता है, कलकत्ता से यहाँ से आता है, सूरत से आता है, हमारे को खुद यहाँ पे यान फैक्ट्री लगना चाहिए, और मार्केट जो खरीदी जाती है वो भिवंडी में रहना चाहिए। सब लोगों को मुंबई जाना पड़ता है माल बेचने के लिए, और माल लेने के लिए भी मुंबई जाना पड़ता है, तो यहीं रहे ना। तो ये काम एमपी का है, एमपी अगर चाहे तो, अगर यहाँ हो सकता है कि आज एमपी जो है वो चाहता तो ग्रामीण में बहुत जगह है गवर्नमेंट फैक्ट्री डाल सकता है, हाँ यान की फैक्ट्री डाल सकती है, लेकिन डालते नहीं है लोग। हाँ ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूसरे शहर के मुकाबले में आप भिवंडी शहर में ऐसा आपको क्या फ़र्क लगता है कि जो वहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है? सबसे पहले तो ये हमारे यहाँ का रोड, रोड का फर्क है। सबसे बड़ी तकलीफ आज भिवंडी जो तकलीफ रोड बद से बदतर हालत में है। भिवंडी में आज 20-25 साल से रोड का कोई काम नहीं हुआ है, हर जगह किसी भी रोड पे आप जाइए आपको रोड टूटा मिलेगा, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाने में घंटों लग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ स्कूल के बच्चे जो जाते हैं गाड़ियों में, बसों में जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये अच्छा, हर चीज़ रोड आपका अच्छा है तो हर चीज़ अच्छी होगी धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है कि शहर को अगर तरक्की करना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ वही, जब आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो हर चीज़ अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ सुनने में आती है कि जब रोड वाइडनिंग की बात आती है
तो अक्सर ये देखा जाता है कि नेताओं लोग अपना अपना वोट बैंक बचाने के लिए वाइडनिंग होने नहीं देते, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अंदर ये भी चीज मास्टर प्लान आता है, कई बार यहाँ पे आया है, कई बार आया और चला गया, और लोग ये मेरे बाप दादा की जमीन है, यहाँ से ये आप आगे तोड़ नहीं सकते, ये यहाँ नहीं कर सकते, और ऐसी कितना रोड है जो इसी बेसिस पे आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ और भिवंडी के हर कोने में आप जाओगे ऐसी जगह आपको मिलेगी कि जहाँ पे हमारे चाहे वो बड़े नेता हो चाहे लोकल नेता हो, उस सबकी हालत एक जैसी है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज यहाँ कोई भिवंडी में कोई नेता नहीं है, ये भी बता देता हूँ, नेता कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है, सब अपने मफाद के हिसाब से सब काम करते हैं, आवाम का कोई नेता नहीं, सब खुद के नेता है, सब अपने आप के नेता है। हाँ, बाकी रोड के अलावा और क्या चीज जो होनी चाहिए भिवंडी शहर में जो नहीं है? भाई रोड है, यहाँ की गटरें देखो भरी रहती है, बहती रहती है, सारी चीजें हैं, बहुत सी चीज ऐसी है, समझे ना, सेंट्रल चाहे तो उसके फंड से बड़ी बड़ी रोडें हमारी बना सकती है और डेवलपमेंट कर सकती है, वो तो इख्तियार सेंट्रल को है ना, तो सेंट्रल का अलग करते क्यों नहीं, क्योंकि आगे जाके कभी देखते नहीं शहर में क्या हो रहा है, वो अपने ग्रामीण में रहते हैं, ग्रामीण का काम कर दें, तो हमारे भिवंडी को या हमारे शहर को जो सब में बड़ी तकलीफ है यही सब है कि जो भी MP बनता है वो अक्सर हमारा बाहर का बनता है और बनने के बाद हमको तकलीफ होती है, एक दो दफ़ा हमारे जो जहाँ का रहता है वो वहीं का विकास देखता है बस, ठीक है भी MP बने दो दफ़ा, लेकिन ठीक है MP में कुछ नहीं काम किया, जैसा शहर का डेवलपमेंट जो हम बता रहे तो पहले रोजी रोजगार मेन चीज़ है, उसमें कभी कोई काम नहीं किया हमारे MP ने भी जो यहाँ से शहर से चुनते गया, तो हमारा बोलना जो सेंट्रल के पावर में है वो काम करे ना लोग, ये नहीं कर रहे तो उनको करना चाहिए, फंड तो वहीं से आए, तो हमारी ये तकलीफ है कि शहर के अंदर ऐसा वगैरह बने तो लोग रोजी रोटी चलेगी। हाँ चलिए, भाई ने तो रोड का बोल दिया और पावर लूम का बोल दिया, आपसे जानना चाहते हैं महंगाई को लेकर आप क्या कहना है? सीमा पर है महंगाई, चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है, लोगों की हड्डी टूट गई है, लोगों की कमर टूट गई है। महंगाई को लेकर आपके जहन में क्या क्या चीजें आती है कि अगर महंगाई जब आप नाम सुनते हैं तो क्या लगता है कि आपको क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा महंगी है? जैसे एग्जाम्पल ले लो पेट्रोल, डीजल, तुम्हारा घर के पदार्थ जितने दाल चावल तेल सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया, क्या कीमत है, रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज कहाँ पहुँच गई? अच्छा, अगर महंगाई बढ़ गई है तो इसको नीचे करने का कोई तरीका जो आपके जहन में आता हो? हमारे जहन में एक ही तरीका आता है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जब तक ये नीचे हो नहीं सकती, ये टोटल दारू मदार जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खाली एक ही काम है, पैसा दो वोट बटोरो, आप लोग MP MLA लोग को नहीं खरीदते, आम जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है, आम जनता का वोट कोई मायने नहीं रखता, मेरे को सिर्फ आम जनता ही उनको सुनकर दे रही है, लेकिन अब वो टाइम चला गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की कोई मायने नहीं रह गया, अब MP MLA को खरीदा जाए, उसको खरीद के अभी चेन्नई के अंदर 2 घंटा पहले शाम में 6 बजे 4-4 करोड़ रुपया गाड़ी में मिला है, अभी आज शाम की रिपोर्ट बताता हूँ, शाम में 6 बजे आज शाम में 6 बजे चेन्नई में कार के अंदर 4-4 करोड़ रुपया मिला है, अभी मेरे बंद में उसकी वही क्लिक देखते बैठा था। क्या लगता है सारी चीजें क्यों? और सारा पैसा BJP के पास है, नोटबंदी भी इसीलिए की गई थी कि कांग्रेस के अलग पैसा नहीं रहे, कांग्रेस का पूरा खाता फ्रीज कर दिया गया, यहाँ तक सबको उठा उठा जेल में डाल दिए, मतलब चुनाव खाली सिर्फ मोदी ही लड़ेगा, सत्येंद्र पाल को अंदर डाल दो, सत्येंद्र जैन को डाले, अभी संजय सिंह जामीन पर छुटका आया 4 दिन पहले। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि मतलब तुम जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे, खाली अपना, क्योंकि पैसा तुम्हारे पास भरपूर है और तुम पैसे से ही जीत सकते हो, तुम 400 का पारा दे रहे हो जबकि पब्लिक क्या बोल रही है, आपकी बार BJP संसद से बाहर, ये नारा चल रहा है इस बार, हाँ चल रहा है पब्लिक में, ये जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई विपक्ष जो है BJP से डरा हुआ है और BJP जो है पब्लिक से डरी हुई है, ये हकीकत है, सबका पैसा फ्रीज कर रही है, उनके पास प्लेट देखिए, यहाँ तक के राहुल गांधी और उनके पास 4 अकाउंट ओपन करे, आज उनके पास ट्रेन में जाने के लिए पैसा नहीं है, ये तो उनकी ऐसा कर दिए BJP का दादागिरी से जीतेगी, अभी बंगाल का बताएगी ना उनको भी ये इलेक्शन में क्या बताएगी, उनके पास मशीन है,
अभी तुमने देखे थे चार, अभी तीन राज्य, तुम तीन स्टेट देखे ना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या देखे? पब्लिक का मेंटेलिटी माइंड क्या था? जितने लोग इधर बैठे सब क्या बोले थे? अरे छोड़ो, कहीं नहीं जीतेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ तो मार गई कांग्रेस। क्या वो छत्तीसगढ़ में खत्म? शिव सोरेन को डाल दिए, सोरेन को डाल दिया अंदर, हेमंत सोरेन को। अरे इनके पास जितने भी करप्टेड लोग है, नारायण राणे से ले के तुम्हारा ये अजित पवार से ले के तुम्हारा छगन भुजबल, फिर तुम्हारा छगन भुजबल है, मोले है, जितने लोग सब करप्टेड लोग, इनकी पार्टी में कौन लोग है? आज बीजेपी के पास कितने लोग है? मतलब तुम किसी की पार्टी को तोड़ तोड़ के लाने का, उसको पैसा देने का, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उनको पहले हरेसमेंट करने का, ईडी सीबीआई लगाने का, उसके बाद अपनी पार्टी मिला के नो, यही चल रहा है। ये तो पूरा पूरा जब से सरकार बनी है तब से तो सरकार बनी है, सिर्फ यही काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, को खत्म करने का। और पब्लिक को सब समझता है, पब्लिक जितनी शानी है उतने शानी तो मतलब कोई लीडर मंत्री भी नहीं। मगर पब्लिक भी तो हर बार वही करती है ना कि शानी होने के बावजूद भी उन्हीं को चुनकर लाती है। को नहीं चुनकर लाती, उनको मशीन चुनकर लाती है। अभी मंडे के दिन, पीर के दिन देखो, सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज मंडे के दिन फैसला देगा। क्या दिया है कि वीवीपैट की काउंटिंग होगी, वो पब्लिक को मिलेगी, वो बैलेट बॉक्स को डब्बे में डालेगी, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। इलेक्शन चीफ कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, बराबर। उसने अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि उनका देंगे उसकी काउंटिंग होगी। कहने का मतलब है कि वो 20-22 दिन उसको रखना नहीं चाहिए, फटाक से उसको काउंटिंग होनी चाहिए। नहीं, आप तुम सोचो 19 अप्रैल को पहला इलेक्शन है और उसका रिजल्ट होगा 4 जून को। कितने दिन का टाइम हो गया? काफी टाइम निकल गया है, तो महीने भर का, दो महीना पूरा, 65 दिन, 65 से 70 दिन रहेगा, तो 65 से 70 दिन वो तो ये थंबनेल चला जाएगा। तुमने अगर इधर मारे और थप्पा मोहर लगाए कांग्रेस को, तो ये पूरा नील हो जाएगा, ये तुमको दिखेगा नहीं। ये 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसकी टाइमिंग रहती है। और हर मशीन, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अभी तक दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जिसको अपन मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बात समझे? कोई भी चीज़ आज ये हमारे पास ये है टाइमर, जिसने मशीन को निकाला उसने तो खुद बैन कर दिया। अरे देश में नहीं, बैन जर्मनी, अमेरिका, जापान, जिसने बनाया उसने भी कर दिया, बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि इसको तुम हैकिंग कर सकते हो, इसको मैनिपुलेट कर सकते, तो इसके अंदर जो भी, जब हम इसमें टाइमर लगाते हो ना, तो टाइम के हिसाब से अलार्म बजता है तुम्हारा। अगर मैंने वो मशीन में टाइमर लगा दिया तो टाइम के ऊपर वो 22 दिन के बाद, 28 दिन के बाद, 30 दिन के बाद जो खोलेंगे, जो तुम उसको सजेस्ट करेंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो प्रोग्राम देंगे चीफ को, वो तुम वो कमांड तुम वो एक्सेप्ट करेगा। अगर यही चीज़ कांग्रेस के साथ हो गई और कांग्रेस आ गई तो क्या तब भी मशीन का फॉल्ट रहेगा? कांग्रेस आएगी तो पहली बात तो इसको पूरी तरह से सिरे से खत्म करना चाहिए, ना बीजेपी सिस्टम ही खत्म करना चाहिए। बैलेट पेपर इज द बेस्ट। आज हमारे महाराष्ट्र में 4 दिन पहले की बात है, जैसे ही अमूल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे ने टिकट घोषित किया 4 दिन पहले, मतलब 3 तारीख या 4 तारीख के दिन, उसका डिक्लेयर 2 बजे हुआ, ईडी उसके घर में 1 घंटे में पहुंच गई। अमूल कीर्तिकर, जिसके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया खिचड़ी घोटाले का, कोरोना में जो खिचड़ी बांटा गया था 250 ग्राम, बोले उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर आरोप, उसको घोषित करके उसको सालों पहले की बात है, तो आप 19-20 कोरोना की बात है, खिचड़ी कब बांटी गई थी? अभी कोरोना काल में बांटी गई थी, तो उसकी टिकट उसको उठा के ईडी ले गई। भिवंडी शहर में कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है, जैसे रेलवे की सुविधा बॉम्बे जाने के लिए, अभी यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए या तो कल्याण जाना पड़ता है या तो भिवंडी जाना पड़ता है, थाना स्टेशन जाना पड़ता है। भिवंडी रोड से कोई, भिवंडी रोड से तो हाँ वो तो ट्रेनें चेंज करके जानी पड़ती है, कोई रेलवे नहीं है, तो इसकी वजह से जो है भिवंडी शहर आज बहुत पीछे है। भिवंडी शहर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है, इसके लिए आज भिवंडी शहर बहुत पीछे है। अरे रोड बहुत खस्ता हाल है, रोड अच्छी नहीं है यहाँ पे, और पब्लिक जो है ज़्यादातर आज भिवंडी, एक टाइम था कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग एरिया भिवंडी था, आज गोडाउन हब माना जाता है भिवंडी का, सबसे बड़ा एशिया का भिवंडी शहर जी, तो आज वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भिवंडी का ट्रांसपोर्टेशन एरिया जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके हिसाब से यहाँ पर जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो चीज़ है भिवंडी शहर में वो ठीक होना चाहिए, कनेक्टिविटी एक शहर से दूसरे शहर में अगर जाना है तो वो प्रॉपर होना चाहिए जी। आज के टाइम पे अगर आप देखो कि भिवंडी एसटी से अगर हमको कालेर जाना है तो इतनी ट्रैफिक लगती है कि आदमी को जाने जाने में 2 घंटा लग जाता है, और एम्बुलेंस अगर जा रही है तो एम्बुलेंस उसमें मरीज है लेटा हुआ है या जो भी है, कभी कभी होता है कि रास्ते में ही जाते जाते मर जाता है, तो ये सब ठीक होना चाहिए। एमपी एमएलए
एमएलओ का यही काम होता है कि भाई जो है ये सब चीज़ों को ठीक किया जाए। इतनी ट्रैफिक है ये सब, और ब्रिज जो इतने ब्रिज बने हुए भिवंडी शहर के अंदर एक भी है। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, मगर हमने देखा है उल्टा उसी के ऊपर ट्रैफिक रहती है। आज भी देखिए, आज कम से कम 4 से 5 घंटा वंजारपट्टी नाके का ब्रिज बंद था। अब वो इतना टाइम हो जाता है कि रोड सब उखड़ जाती है, सब कुछ है, मगर नगर पालिका को 5-6 महीने के बाद में नज़र आता है। ये तो तुरंत होना चाहिए कि जैसे खड्डा हुआ वैसे ही बनना चाहिए। आज साउथ में मैं ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाता हूँ, मेरी खुद की ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। मैं हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई ये सब जगह जाता हूँ। आप हैदराबाद या बेंगलोर साइड में आप अगर जाके देखो तो रोड इतनी अच्छी है वहाँ पे कि आप अगर खाना नहीं खाते हो, सिर्फ पानी पी के अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपके पेट का पानी तक नहीं हिलेगा कि वहाँ की रोड इतनी अच्छी। रोड अच्छी है मतलब वहाँ पर। चलिए ठीक, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी को वोट करते हो तो क्या सोचकर वोट करते हो, वो अगर जीत कर आता है तो शहर के लिए या आपके लिए क्या करे वो? मैं कभी भी पार्टी को देख के वोट नहीं करता, सामने उम्मीदवार को देख के वोट करता हूँ। सामने उम्मीदवार कौन है, पार्टी भले बीजेपी रहे कि कांग्रेस रहे कि कोई भी भाई, सामने उम्मीदवार जो अच्छा रहता है उसको अपन वोटिंग करते हैं। वोटिंग ये सोच के करते हैं कि आगे अपने शहर है, अपने मोहल्ले है तो उसका विकास होए, देश आगे बढ़े, अपना शहर आगे बढ़े, वो सोच के अपन वोटिंग करते हैं। विकास में बहुत सारी चीज़ें आती है, आपके जहन में क्या आता है विकास मतलब क्या? विकास में तो भी जैसे कि जो अपने जो एरिया में रहते हैं एम जो जैसे स्वास्थ्य की हो गई, अपना पानी हो गया, बिजली हो गया, वो चीज़ की समस्या रहती है तो वो चीज़ इंसान को मिलनी चाहिए। बाकी तो क्या, कोई पैसा तो कोई गवर्नमेंट किसी को देती नहीं तो इंसान। पिछले 10-15 सालों में आपने भिवंडी में कुछ अच्छा बदलाव होते हुए देखा? यस देखा है बिल्कुल। क्या चीज़? थोड़ा जैसे मैं खुद भिवंडी में आपको बता रहा हूँ, तो मैं भिवंडी में, मेरा जन्म ही भिवंडी में हुआ है, मेरे को भिवंडी रहते हुए आज 22 साल हो गया है। तो जो भिवंडी में पहले से काफ़ी बदलाव है हर चीज़ के मामले में, साफ सफाई के मामले में देखूँ तो रोड का भी, रोड तो ठीक है इतना नहीं बना है, रोड का तो नहीं बोल सकता, बाकी है बदलाव। तो आज का हमारा छोटा सा सर्वे ये राम मोहन होटल पे, जहाँ पर हमने ये जाना कि सबसे पहली चीज़ तो भिवंडी शहर में जो पावर लूम है उसके ऊपर काम होना चाहिए। अब उसके ऊपर काम कैसे होगा कि जो यान का भाव है, जो सूत का भाव है, वो जो बाहर से आता है, वो बाहर से आने की बजाय, सर का कहना ऐसा है कि यही हमारे भिवंडी शहर में ही ग्रामीण में बहुत सारी जगह खाली है, MP अगर चाहे तो यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ पर बाज़ार बना सकते हैं, ताकि जो पावर लूम के जो लोग हैं जो बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, खरीदने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने की बजाय अगर उनके लिए यहीं पर आसानी कर दी जाए तो भिवंडी शहर का ये जो कारोबार है ये काफ़ी हद तक सुधर सकता है और अच्छा हो सकता है। दूसरा उन्होंने एक बात कही कि इस बार जो मशीनों का जो चक्कर है, ये जो वोटिंग मशीनें हैं ये सब हटनी चाहिए, बैलेट पेपर इज़ द बेस्ट। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।